हमने तो गोलू लग रहा है लाइट में। ये बिस्किट अगर तुमने नहीं खाया है तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग लाइफ में बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो। मतलब क्रैकर्स तो अच्छे होते ही है, बट इस पे चीज लगा हुआ है और इसके पिछवाड़े पे शुगर लगा हुआ है। मतलब ये देश का फैशन नहीं है, ये मालूम ही पड़ता है ये देश का फैशन नहीं है, विदेश का है। बट मुझे लगता है हमें हमारा न्यू फेवरेट बिस्किट मिल गया। तुमको पता है एक चॉकलेट आता है ये, वो बोलते हैं कि बेस्ट है। प्लीज रिक्वेस्ट, किसी को भी चॉकलेट फ्लेवर का अगर ये मिले तो अपनी स्टोरीज में हमें टैग करना, लोकेशन हम पूछ लेंगे और हम भाग के वहां पे आएंगे बिस्किट तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे। ड्रीमी। तो ये सारा सा कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मैं बता रहा हूँ तुम सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है, इसके पहले के ब्लॉग का मैंने एंड भी शूट नहीं किया, बट मैं एडिट कर रहा था, मेरे को लगा कि ये काफी हो गया है, कंटेंट मिल गया, तो मैंने बंद कर दिया और मैं दूसरा ब्लॉग यहाँ से ही चालू कर रहा हूँ। इसका ब्लॉग हम शूट करेंगे कल वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? ड्रिंक और ट्रूथ और ड्रिंक, ट्रूथ और ड्रिंक उसके लिए। तो तुम लोग देखो इसके चैनल पे जाके, बहुत अच्छा बनेगा वीडियो आई एम श्योर। बट उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर बाहर एक अच्छा कैफे है, वहां पर खा के आ जाए, फिर आराम से शूट करें। क्या बोले? है कि नहीं? सर ये बिस्किट ढूंढो और खाओ। बोल रहे थे ना। फिट पीक। नाइस। तो फिलहाल हम लोग जाने वाले थे कोई कैफे में, डिगेंड करके। डिगेंड डिगेंड किसको? ऐसा बोलते हैं। हाँ। चलो उस तो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मेरे को लग रहा है बॉलरूम ना, या तो हजार लोग एक साथ भाग के आ रहे हैं कहीं से, ऐसा लग रहा है। बट मेरा ज्यादा अच्छा लगता है ये, मेरे को ऐसा लगता है कि हर ऐसा बड़ा होटल जितना भी रहता है उनके लॉबी में टाइटैनिक का ही म्यूजिक लगता है, माय हार्ट गोज ऑन। समझा मेरे को, आई अंडरस्टैंड यू। अरे पानी का ग्लास, किसी प्यासे को पानी पिलाने के लिए रखा है, स्टिकरों के लिए। उसमें टूथपिक डाल के पानी ऊपर लाना पड़ेगा। हम लोग पता है तुमको बंजारा मार्केट के कितने पास है? हाँ पता है, वो मतलब ऐसा रोड फेमिलियर लग रहा है मेरे को पहले से। पता है? हाँ। कैसे पता है? तुमको पता ना मेरे को रोड कितने अच्छे से याद रहते हैं। नहीं मुझको नहीं पता है, तुमसे तो ज्यादा ही अच्छे रहते हैं कंपैरेटिवली, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। मैं ये बोल रही थी कि ये कैफे जहाँ पे है, गैलेरिया मार्केट है वो पूरा जगह ना। आगे क्या? भैया के साथ चली जाऊंगी। आगे क्या? भैया जो गाड़ी लेके आएंगे ना उनके साथ ही। बोले आप चलाओ, मेरे को साइड बिठा, इसका छेद है। चिपस खाने जो रूम में बैठ गए, दरवाजे पे लात मार दूंगा, दरवाजा बंद नहीं होगा धड़ से। नहीं यार, जर्मन बॉडी है, बहुत टफ होता है। भैया गाड़ी शायद वेस्ट दिल्ली लेने गए, भैया शायद गलत पीछे ही है, भैया के फ्रेंड फिर जाके सर पे मारेंगे ना तुमको, भैया शायद टपली मारेंगे। भैया ने शायद मिसअंडरस्टैंड किया, हमको ब्लैक गाड़ी चाहिए थी, शायद व्हाइट गाड़ी लेने चले गए व्हाइट कलर का पत्ता देख के। बट मेरे को फिर भी डर लग रहा है। मूवी कौन सी देखेंगे हम रात को? तुम्हारे मैंने बहुत सारा तुमको भेजा है ना पिंटरेस्ट का, वो हाँ एकदम स्किलफुल चला हुआ ना। क्या हुआ? करने को क्या हो गया? हाँ नहीं यही है, यही है ना चोकोला। तू ही चोकोला? नहीं नहीं जाऊंगा मैं चोको, बहुत वियर्ड नाम है किसी के लिए भी, छोड़ो जाने दो।
ये क्या है यार, चोकोला उसके बाद कुछ डिस्टेंस में आप ऊपर जाना है। फक यार, हमने बहुत खाया, पेट इतना भर गया है खा के। वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा था और ऊपर से वहां पर एक ऑफर था, अगर तुम तुरंत जोमेटो पे रिव्यू करोगे तो तुमको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलेगा। तो हमने वो भी पिया और प्लस बहुत खाया। अभी हम लोग रिया का वीडियो शूट कर रहे हैं, तुम लोगों को देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब डू योर थिंग। मतलब इसको सब्सक्राइब किया तो कोरोना निकल जाएगा, पूरे दुनिया से कोरोना निकल जाएगा। थैंक यू, बहुत नाइस कंटेंट स्टिच कराया तुमने। थैंक यू। अभी एडिट करनी है। 4 बज रहे, लड़की ने अपना जस्ट कंटेंट रेंडरिंग पे रखा है। मैं भी सो गया था जब तक वो एडिट कर रही थी और आधा अपना एडिट छोड़ के सो गया था। फिर सोचा कि सुबह को उठ के करूँगा एडिट, फिर सोचा अगर सुबह को लेट हो गया तो व्लॉग भी लेट हो जाएगा, प्लस यहाँ का वाईफाई भी थोड़ा सा वीक है तो मेरे को चांस नहीं लेने का सुबह को उठ के कुछ भी रखने का। तो अभी रेंडर करके रख लेता हूँ, फिर अपने हॉटस्पॉट पे मैं अपलोड करने को भी रख दूँगा। तो बाकी जो देखा जाए, अपने साइड से क्लियर रहने को मांगता है ना, क्या बोलते हैं। इतने टाइम तक ये कर सकता था यार, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि हम ये होटल में आके सब कुछ टाइम पे कैसे कर रहे हैं। हाँ, है बुफे है किधर। चलो ना, हमारा ही है यार, हमने बहुत पैसा भरा हुआ, क्या हो गया। ऊपर से चोर जैसे क्या देख रहे नीचे। डोनट्स तो नहीं, मेंदू वड़ा है वो। डोनट्स खाएगा तुम, जाते हुए खाएंगे। भरोसा नहीं हो रहा था मेंदू वड़ा देंगे और ये डोनट्स देंगे, तो मैंने तो ऊपर से गेस किया था यार, मेरी मिस्टेक नहीं है। बट बहुत कुछ ले लिया हमने खाने के लिए, दिख तो अच्छा रहा, अब टेस्ट देखते भाई। हाँ देखो, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा दिल्ली का पाव भाजी खाने का, तुम खा के बताओ इसके लिए इज इट। हाँ मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन यूजुअली, दिख तो अच्छा रहा है। Decent. मतलब एक्चुअल टेस्ट नहीं है दिल्ली का। यूजुअली ऐसा सब्जी सब्जी ऐसा टेस्ट नहीं करता। हाँ वो ये पाव भाजी ही। पाव ये मसाले वाला बात नहीं है यार, तुमको मुंबई का खिलाना भूल गया, बहुत अमेजिंग है। Sometime soon. क्या उठाया होटल से? तुमको ये पकड़ना पड़ेगा, देते पकड़ो। 44 रुपया
देखो ना गूगल करो ना। हाँ हम फाइनली घर आ गए, ये हमारे एजेंसी की तरफ से आया है हमको गिफ्ट हैम्पर। मेरे हिसाब से सब तुमको सीजर से ही काटना चाहिए क्योंकि तुम है अभी बहुत नींद में। हमारा नाम एसी वाले मुसाफिर है और एक्स्ट्रा आधा घंटा ही सो गए हम लोग। सोचे थे 1:30 तक उठ के घर भागेंगे क्योंकि इसका शूट करना है, बट एसी इतना अच्छा था वी कुडंट हेल्प इट। तो हम लोग अभी एक मूवी देख रहे हैं, क्या नाम है मूवी का? फियर स्ट्रीट। लाइफ एकदम इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अच्छा है या नहीं कल के ब्लॉग में तुम लोगों को पता चल जाएगा। अभी तो पूरा देखा नहीं, कल मेरा सुबह को 8 बजे क्लास थी, आज मेरे को जिम जाने का था बट मैं नहीं गया क्योंकि मैं सो गया और मेरे को अभी थोड़ा सा चिल करने का, मतलब ये पूरा वीक ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं लेने का। और तो कुछ नहीं, फ्री फूड करके कुछ भी नहीं होता, फ्री चीज़ कोई भी नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है, तुमको कैसे ना कैसे करके उसको पे करना पड़ता है। यू जस्ट हैव टू बी नाइस टू एवरीथिंग एंड टू एवरीवन, मोस्टली टू द वंस यू लव। आई वोंट टॉक अबाउट द वंस यू हेट बिकॉज दैट्स नॉट माई बिजनेस। बाकी मेरे को तुमसे एक ये सजेशन चाहिए था कि मतलब ऐसा घर बैठे बैठे जो मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ, रिएक्शन वीडियो हो गया, तो वैसे टाइप में तुम लोग क्या चाहिए? मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीजें तुम लोग जा सकते हो है कि नहीं, मेरे को कॉमेंट्स में बताओ तुम लोग कैसा चाहिए। फूड व्लॉग तो अपना है, मतलब वो तो मेरे को मजा आता है करने में, ऐसा उसके अपार्ट तुम लोग को एडवाइस चाहिए जिसको इसके रिगार्डिंग कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हमारा एडवाइस तुम लोग को मैटर करेगा, ऐसा कुछ भी होगा टॉपिक तो प्लीज लेट मी नो। मैं कल से कमेंट्स पढ़ के सब लिख दूंगा, नीचे अपने नोट्स में लिख दूंगा और एक एक करके उस पर वर्क करना चालू करूंगा, है कि नहीं। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते, लड़की मस्त स्पेगेटी डालने में मगनमूश है। तुम लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऑलराइट टेक केयर बाय। प्लीज इसका व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत जूसी है। ऑलराइट टेक केयर बाय। टॉयलेट क्या होते, चलो खागे मारो। मुझे एक नया रिलेशन है, तुम मेरे पीछे भागो। चलो ऐसे ही तुम लो जाके भागो और नहीं भागा मैं, ठीक है? इन्नी मंडी चंडी, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म। जो चीज बोला उसके सबसे जोर से मारूंगा। ओह माय गॉड। हां अभी बता। चलो भाई ठीक शेयर में गो। नीचे आगे करो नीचे। ओह माय गॉड। ए किधर देखता है रे। चलो ये पार्टी टाइम है, चलो फॉर्म्स लगाओ।